हमारी वीडियो के थ्रू आपको हमारी बहुत बड़ी नेक्सॉन फैमिली आज देखने जा रही है, और आपका इंट्रोडक्शन मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी राणा। सन्नी राणा जी, कहाँ से आए अभी आप एग्जैक्टली? मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा पालमपुर का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। अभी गाड़ी वहीं से लेके आए आज आप? हाँ जी, हाँ जी। और लगभग आपने हमारे पास कितना टाइम स्पेंड किया इस पूरा मॉडिफिकेशन कराने के लिए? तकरीबन 2 डेज। डेढ़ दिन के आसपास? हाँ जी, डेढ़ दिन। हाँ जी, डेढ़ दिन। आप कल सुबह आए थे और अभी शाम के 5 बज गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिनिशिंग वगैरह, क्वालिटी वगैरह, पूरा ओवरऑल वर्क, पूरा सारा जो परफॉर्मेंस और जो सारी चीजें आपने लगाई, क्या कहना चाहोगे इन सबके बारे में? अल्टीमेट है, मैं तो यही कहूंगा जी, क्योंकि मैं आपकी जो वीडियोस जितनी भी है यूट्यूब पे 1.5-2 साल से देख रहा हूँ जी, तो मेरा बड़ा मन था आपके पास आने का, देखने का आपका काम कैसा है। जी जी, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मतलब मैं बिल्कुल, मतलब इतना दूर आया हूँ तो मतलब सेटिस्फाई हूँ बिल्कुल मैं। क्वालिटी से मतलब हर एक चीज से, मतलब ओके। और यहाँ आप आए हो, आपने हमारे पास डेढ़ दिन पूरा स्पेंड किया, तो आपको लगता है यहाँ पे एनवायरनमेंट आपको फ्रेंडली मिला? बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंडली है। सारे जितने भी भैया जितने भी हैं, चाहे जो भी है, मतलब स्टीरियो वाले, सीट वाले, इलेक्ट्रीशियन जो भी है, मतलब उनका पूरा रिस्पॉन्स है 100%। आपको पूरा उन्होंने अच्छे से काम की क्वालिटी भी दी और अच्छे से पूरा अटेंड किया, सब कुछ है। कोई जल्दबाजी तो नहीं? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है जी, और जल्दबाजी तो होने भी नहीं चाहिए जी। तसल्ली से काम हुआ, सारा जितना भी हुआ तसल्ली से काम हुआ है, मजा आया मुझे यहाँ पे। जी जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भाइयों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। फिर से आपकी सेवा में एक हाजिर टाटा नेक्सॉन ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई है। गाड़ी एक्जेड प्लस टॉप मॉडल है। इस गाड़ी का पूरा कंप्लीट इंटीरियर का मॉडिफिकेशन, टॉप लेवल वाले सीट कवर्स, A to Z पूरा एक थीम मॉडिफिकेशन, गाड़ी का कलर रेड और उसी से मैच करता हुआ एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा इंटीरियर आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इस गाड़ी में कस्टमाइज़ करेंगे। गाड़ियाँ ऑलरेडी सैटरडे का दिन है, हमारे पास लाइंड अप हो चुकी हैं, आप देख सकते हो 4 गाड़ियाँ आपके सामने खड़ी हुई हैं और 4-1 गाड़ियाँ अभी और आएंगी। आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी भाइयों का ऑल ओवर इंडिया से हमें बहुत प्यार मिल रहा है। आज हिमाचल प्रदेश से गाड़ी हमारे पास आई हुई है, जो कि रेगुलर हमारे पास ऑल द वे गाड़ियाँ बहुत दूर दूर से आती हैं। ये कांगड़ा से आई है गाड़ी, 500 किलोमीटर भैया ने गाड़ी चलाई और सुबह 7 बजे हमारे स्टोर के बाहर आके खड़े हो गए। इस प्यार और इस डेडिकेशन के लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं हम सभी भाइयों के लिए, जो हमारे पास अपनी गाड़ियाँ इतना ट्रस्ट और हमारे पे इतना कॉन्फिडेंस करके अपनी गाड़ियों का सेटअप कराने के लिए आती हैं। अभी आपको एक और गाड़ी दिखाना चाहूँगा जो कि हमारे पास गुजरात से आई हुई है। ये भी गाड़ी जो है बहुत बढ़िया काम हो रहा है, GJ नंबर। इसके अंदर भी हम पूरा फुल सेटअप कर रहे हैं, गाड़ी XMS है और इसमें हम लगा रहे हैं सीट कवर्स वगैरह और जनरल जितनी भी चीज़ें हैं। अभी आप देख सकते हो कि इस गाड़ी में ऑलरेडी एक बहुत ही एक रेगुलर क्वालिटी के सीट कवर्स लगे हुए थे, रेड एंड ब्लैक। आज इसको हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत न्यू लुक के अंदर सीट कवर लगाएंगे, जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू बिल्कुल लास्ट तक देखें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने गाड़ी को पूरा अंदर से कितनी बढ़िया तरीके से खोल ली है, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इसकी। ये डोर पैनल्स जो आप देख रहे हो ये पूरे कस्टमाइज होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का नॉर्मल ब्लैक फैब्रिक ये कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे भी हम एक बहुत बढ़िया कस्टमाइजेशन करेंगे। यहाँ पैनल्स लगे हुए होते हैं सिल्वर कलर के, इनको बहुत बढ़िया तरीके से रैप किया जाएगा सबको। सारी चीज़ों को हमने बहुत बढ़िया तरीके से प्रोफेशनली खोल लिया है, आप देख सकते हो कि सारी गाड़ी खुली हुई है, एक एक चीज़ को बड़ा तरीके से खोला जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से इसको फिट किया जाता है। रूफ भी हमने इसकी खोल ली है, पूरा इंटीरियर अगर आप कस्टमाइज़ कराते हो और अगर आप रूफ़ को नहीं चेंज कराते हो, उसका कलर नहीं चेंज कराते हो, तो पूरा फील नहीं आता। एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि सीट कवर जो ऑलरेडी इस गाड़ी में लगे हुए थे कितने स्टैंडर्ड और कितने सिंपल से सीट कवर लगे हुए थे, और अब जो हम सीट कवर लगा देंगे इसके
अंदर उसका लुक मैं आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद गाड़ी ज़रूर आप बताएं कि आपको जो हमने गाड़ी का कस्टमाइजेशन किया है कैसा लगा। स्टेयरिंग भी अभी बिल्कुल सिंपल सा लगा हुआ है, इसके अंदर एक नॉर्मल हैंड स्टिच स्टेयरिंग है। इसको पूरा खोल के इस स्टेयरिंग को हम इस पूरे थीम के साथ में कस्टमाइज करेंगे। सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने रूफ़ भी खोल लिया गाड़ी की। ये इसकी ओरिजिनल रूफ़ है जो कि एक लाइट बेज से कलर की आती है, पूरे थीम के साथ में मैच करेंगे। अभी मैं आपको ये बताऊँगा नहीं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिकॉज बताने में इतना मज़ा नहीं आएगा जो कि देखने में मज़ा आएगा। तो गाड़ियाँ भाइयों आज हमारे पास पूरी बहुत बढ़िया तरीके से लाइंड अप हो गई हैं, और आपको पूरा इस गाड़ी का कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल लुक दिखाते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वन डे कंप्लीट, पूरा डेढ़ दिन लग गया है हमारे को इस गाड़ी को कंप्लीट करने में। इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में हमने की हैं। BS4 आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, जो कि हमारे पास ऑल द वे हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से चल के आई है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके, काफ़ी सारे मोड्स हमने बाहर भी किए हैं। गाड़ी के अंदर तो हमने जो किया है वो भी आप बहुत बढ़िया आपको दिखाना चाहूँगा मैं। आप खुद ही बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको अंदर इंटीरियर्स का मॉड कैसा लगा। तो भाइयों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके के मॉडिफिकेशन को करने के लिए पूरा एक दिन से ज़्यादा का समय लगता है। इस गाड़ी में हमें डेढ़ दिन लगे हैं। एक एक चीज़ जो हमने इस गाड़ी में लगाई है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मास्टरपीस बनी है। डोर पैनल, अंदर इंटीरियर में रैपिंग, एक्स्ट्रा कंफर्ट वाले सीट कवर, इसके अंदर रूफ भी लगाई है। सब चीज़ें मैं पूरी आपको डिटेल से दिखाऊंगा। स्टेयरिंग रैप हुआ है, 70 मैट्स लगे हैं, बिल्कुल गाड़ी के थीम से मैच होते हुए। गाड़ी का कलर आपके सामने चेरी रेड है, BS4 वर्जन है, और कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से हमने इसके अंदर रेड कलर लगाया है। उनकी चॉइस थी, उन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने सेम यही पूरा सेटअप देखा था। सारी चीज़ें हमने बहुत बढ़िया तरीके से सेट करी हैं, रूफ रैपिंग भी किया है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डोर पैनल से। इसके अंदर हमने फैब्रिक लगाया है, लेदर PU लगाया है डोर्स के अंदर, और साथ में हमने रैपिंग की है रेड कलर के अंदर मैच करती हुई। आप देख सकते हो फिनिशिंग वर्क है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत तसल्ली से लगाई जाती हैं। तो चारों डोर्स के अंदर PU वर्क और पैनल रैपिंग हमने की है बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है, बट फिनिशिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द सीट कवर, एक्स्ट्रा कम्फर्ट वाले सीट कवर। गाड़ी के साथ में पूरा का पूरा एक थीम बना दिया है हमने। जैसे ही गाड़ी के अंदर आप एंटर करते हैं आपको बहुत ही प्रीमियम और बिल्कुल रिच फील आएगी। एक्स्ट्रा कंफर्ट वाले सीट कवर गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही ज़बरदस्त कंफर्ट देते हैं, लॉन्ग जर्नी में बहुत सपोर्ट करते हैं, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऑर्डिनरी सीट कवर से या नॉर्मल बकेट सीट कवर से बहुत ही अलग ही फील है इनकी। बहुत ही कंफर्टेबल हैं बैठने के अंदर, और साथ साथ लुक तो इसका ज़बरदस्त है। टॉप मॉडल है, जैसे आप देख सकते हो आर्मरेस्ट वाली गाड़ी है, तो आर्मरेस्ट की भी फिटिंग लाजवाब है। बिल्कुल फ्रंट एंड बैक दोनों ही जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फील है। इसके 6 के 6 पिलर्स भी हमने पूरा थीम रैप किए हैं, और अभी आप देख सकते हो वीडियो में आपको छत भी जो है वो पूरी रैप दिखेगी, ब्लैक थीम है पूरा रूफ के अंदर भी। यहाँ पे भी हमने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 6 पिलर्स हैं A, B and C पिलर्स, सबको हमने रेड के अंदर लेदर रैप कर दिया है। फ्रंट के स्टेयरिंग की बात करें, ये भी हमने लेदर रैप कर दिया है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल H2H फिनिशिंग आती है। पैनल रैपिंग की बात करते हैं फ्रंट के डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे भी हमने रैपिंग की हुई है यूज़। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त रेड ग्लॉस है, टॉप वेरिएंट वाली गाड़ी है। यहाँ पे हमने पैनल रैपिंग की है, चाहे सेंटर कंसोल है और चाहे फ्रंट का पार्ट है, दोनों को हमने बहुत बढ़िया से पैनल रैप कर दिया है, और एवरी डेनिसिन का प्रोडक्ट यूज़ किया है। आप कह सकते हो कि इसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको बहुत अच्छी फील मिलेगी। 70 मैट लगाया है रेड ब्लैक की स्टिचिंग के अंदर, और ऊपर ग्रे कलर की ग्रास है। ये भी हमने एक पूरा थीम बना दिया है, बिल्कुल रेड नहीं किया हमने फ्लोर को। और जो आप 70 मैट्स की फिनिशिंग देख रहे हो, वो बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल सीट के साथ में मर्ज हो गई है, तो बहुत ही अच्छा आपको इसकी क्लीनिंग के अंदर सपोर्ट करेगा ये 70 मैट।
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गाड़ी के पूरे थीम को मैच किया है हमने, इसकी ऊपर की जो छत है इसके अंदर भी हमने वेलवेट रैप कर दिया है, यहाँ हमने PU यूज़ नहीं किया। आप देखिए कितना ज़बरदस्त गाड़ी का लुक आ गया है, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो गया है। जो छत है, अगर आप छत को अगर नॉर्मल छोड़ देते हो, रूफ़ को अगर आप रैप नहीं करते हो, रूफ़ को अगर आप साथ में चेंज नहीं करते हो, तो पूरा जो है थीम कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि ओरिजिनली कंपनी से जो रूफ़ आती है वो ग्रे है। तो इसको भी हमने बहुत बढ़िया साथ में सपोर्ट कर दिया है, साथ में मैच कर दिया है पूरे गाड़ी के ओवरऑल फील के साथ में। जैसे आप देख सकते हो पैनल रैपिंग की है हमने, पिलर रैप किया है, डैशबोर्ड को रैप कर दिया है, स्टेयरिंग रैप कर दिया है, सीट कवर्स एक्स्ट्रा कम्फर्ट वाले लगा दिए हैं। तो ओवरऑल जो गाड़ी का जो लुक है वो एकदम प्रीमियम और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन है। ऐसे इंटीरियर बनाने के लिए बहुत डेडिकेटेड वर्क और बहुत टाइम चाहिए होता है। और साथ में हमने इसके अंदर, मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ दिखाना चाहूँगा, हारमन का स्टीरियो जैसे रिप्लेस कर दिया है। कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं थे परफॉर्मेंस से, हारमन के अंदर सिर्फ आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है और वो भी वायर्ड मिलता है। इसमें हमने जो लगाया है वायरलेस वाला प्लेयर लगाया है, और आप देख सकते हैं पूरे जो आपके सारे के सारे फंक्शंस हैं बहुत बढ़िया तरीके से, इवन क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह जैसी चीज़ें भी वर्क कर रही हैं। तो जितने भी हारमन वाले भाई जो जिनके मन में ये सवाल रहता कि हारमन का प्लेयर लगाना है, आप देख सकते हो कस्टमर आके हमारे पास चेंज कराते हैं। तो ये बहुत एक डेडिकेटेड वीडियो है इस चीज़ को भी लेके कि हारमन का प्लेयर जो है वो कोई बहुत बढ़िया नहीं है। मैं इस चीज़ से, इस बात से इसको डीफेम नहीं करना चाहता हूँ, बट फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग चेंज कराते हैं हारमन के प्लेयर को भी, और सारे फंक्शन जो ओरिजिनल है हमने इसमें कन्फिगर कर दिए हैं, सारे बटन्स काम कर रहे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल काम कर रहा है, स्टेयरिंग कंट्रोल काम कर रहा है। तो ये भी चीज़ मैं आपको पूरा डिस्प्ले करके दिखाना चाह रहा हूँ। कैमरा लगाया है इसके अंदर हमने UHD, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त व्यू है कैमरे का, हाई डेफिनेशन कैमराज इसके अंदर हमने लगाए हैं। और फ्रंट पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर हमने DRL लगाई है, BS4 गाड़ी है ये, DRL बहुत पॉपुलर है, BS4 वाले भाइयों को बहुत पसंद आती है, और इसके अंदर मैट्रिक्स इंडिकेटर का फंक्शन भी है। डे टाइम में आप इसका व्यू देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और ये मैट्रिक्स इंडिकेटर और देखने में लाजवाब लगते हैं। ये गाड़ी बहुत ही दिल से तैयार की गई है, हिमाचल से गाड़ी आई है, पालमपुर से भैया लेके आए हैं। और साइड के फुटरेस्ट भी मैं आपको इसके अंदर दिखाना चाहूँगा, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, क्रोम वाली बीडिंग लगाई है, एयर वेंट स्कूप लगाया है इसके अंदर हमने फ्रंट के फेंडर के ऊपर, हैंडल क्रोम लगाए हैं। तो ये कॉस्मेटिक चीज़ें भी हमने इस गाड़ी के अंदर कुछ और साथ में ऐड ऑन की हैं, जो गाड़ी के ओवरऑल लुक को बहुत ही सुंदर लगता है। रूफ़ रैपिंग की है जो कि ग्रे मेटालिक, ये भी एवरी डेनिसन USA का प्रोडक्ट है, इसमें भी बहुत डेडिकेटेड वर्क और बहुत ही सटीक हाथ चाहिए, बहुत ही फिनिशिंग वाला वर्क है। ये भी हमने इसके अंदर वर्क जो बहुत ही जो रैपिंग की है वो भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल फिनिशिंग के साथ में की है, साथ में हमने इसके ट्रिम भी रैप्स कर दिए हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन है, गाड़ी का जो लुक है बहुत ही फील ज़बरदस्त लगता है। आप ये देखिए, ये जो ट्रिम की रैपिंग होती है ये इसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक वो चाहिए होता है कि एक फिनिशिंग चाहिए हाथ में, बहुत ज़बरदस्त आपको क्लीनिनेस चाहिए होती है, बहुत ही प्रोफेशनल वर्क है जितने भी हैं जो रैपिंग वाले भी हैं, और चाहे वो पैनल रैपिंग है, ये सारा हमारा जो है वो डेडिकेटेड लड़का हमारा जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है आसिम, उसके हाथ की फिनिशिंग है, उसके हाथ की सफाई है, जिसको आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं भाई, लोग दूर दूर से कराने आते हैं। पीछे हमने इसके अंदर रियर गार्ड लगाया है स्टेनलेस स्टील के अंदर। तो ये है हमारा ओवरऑल इस गाड़ी का फिनिशिंग वर्क, इस गाड़ी का बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी वाला काम किए हैं हमने। आप देख सकते हो कि रूफ रैपिंग भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। भाइयों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैसे हो मेरे भाइयों? सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो हमारे भाई हम पे ट्रस्ट कर इतनी दूर से अपनी गाड़ी लेके आते हैं, उनसे आपको मिलाना, उनसे उनका एक्सपीरियंस जानना, उनसे आपको दो घड़ी मिलवाना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिससे आपको एक आपको भी आने के लिए इतनी दूर से एक कॉन्फिडेंस मिले, आपको भी ऐसा लगे कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह पे कुछ ट्रस्टवर्दी काम भी होता है। अब जैसे कि भैया 500 किलोमीटर्स गाड़ी चला के आए, और भैया आर्मी से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे इनके सोर्सेस हैं, ये कहीं पर भी काम करा सकते हैं, रास्ते में बहुत सारे इनके डेस्टिनेशंस पड़ते हैं, चंडीगढ़ एक बहुत बड़ी मार्केट है कार एक्सेसरीज का काम कराने के लिए, बट वहाँ ना जाके अगर एक बंदा हमारे पे ट्रस्ट करके अगर आता है तो ये बहुत बड़ी एक अपनी
एक कॉन्फिडेंस लेवल में कॉन्फिडेंस वाली बात होती है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक बार भैया से भी मैं आपको बात कराना चाहूंगा। नमस्कार सर, आज तो सबसे पहले तो भैया मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने इतना ट्रस्ट दिखा के आप हमारे पास इतनी दूर से आए, तो इस चीज के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो भैया की गाड़ी का अब काम हो गया है, अब ये जा रहे हैं यहाँ से, तो मैं इनको गुड लक कहना चाहूंगा इनकी जर्नी के लिए, और आपको ऐसी अपने भाइयों से मिलाता रहूंगा, आपको उनका सबका एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करता रहूंगा, ताकि आपको एक आने वाले दिनों में एक माइंड सेट हो जाए आपका, एक आपको अपनी क्लैरिटी रहे कि इस जगह पे हम जा रहे हैं स्काई कार पे, तो वहां पे हमारे को क्या क्वालिटी और क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। भाइयों मैं आपको ऐसी नई नई चीजें और अपडेट करता रहूंगा, बहुत कुछ नई अपडेट आने वाली है, आपको बहुत जल्दी दिखानी है। थैंक यू भैया।